अफगानिस्तान तालिबान का मुल्क नहीं है, तालिबानों ने अटैक किया है। कभी भी किसी अफगानी को तालिब मत बोलना। तो इमरान तो बोल रहे गुलामी की जंजीरें तोड़ी है। वो अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़े, वो अभी भी किसके पैर में है। जब हमें इस्लाम के नाम पे चार्ज अप किया जाता है, जब हमें दूसरे पंथों से दूसरे देशों से तोड़ा जाता है, जब इस्लाम के नाम पे दूसरे रिलीजन्स को मानने वालों को काफिर का सर्टिफिकेट देना बताया जाता है, एक माहौल बनाया जाता है इस्लामिक स्टेट बनाने से पहले। दोस्तों, तालिबान ने फिर से इस्लाम का एक बार ऐसा चेहरा दिखा दिया है जिसे देखकर जिन मुस्लिम को इंडिया में डर लगता था उन्हें इंडिया से प्यार हो गया है, जिसमें नसरुद्दीन शाह शामिल है। लेकिन दोस्तों, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तालिबान इस्लाम के नाम पे क्या क्या कर रहा है और पाकिस्तानी तालिबान के नाम के कसीदे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि सुबुई खान, आरजू काजमी और अफगानी पत्रकार ने पाकिस्तान की रहने वाली मोना आलम को आईना दिखाया है, वहीं एक इस्लामिक राष्ट्र बनने के पीछे की भी हकीकत बताई है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन वीडियो। वीडियो काफी शानदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम। रूबिका जी, मुझे सिर्फ 2 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा, बहुत संजीदा और जरूरी मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ। ओके। आज अफगानिस्तान में 15 साल की बच्चियों को घरों से खींच खींच कर ले जाया जा रहा है, बुर्का ना पहनने पर हिंसा करी जा रही है, चौराहे पर महिलाओं को हंटर से पीटा जा रहा है, लेडी गवर्नर्स, लेडी पायलट्स को कैप्टिव बना लिया गया है। तो देखिए, नो डाउट ये वो समय है कि हमें रंग भेद, पंथ, जाति, समुदाय, जन्म का स्थान सब कुछ भूलकर पूरी दुनिया की महिलाओं को, अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए, विश्व की महिलाओं को एक होना चाहिए। आज बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने डिबेट कर रखा है। जो मेरी बहनें बैठी हैं अफगानी, सायरा जी, तारा जी, मुस्कान, सबके, हम सारी भारतीय महिलाएं साथ हैं, वी आर विद यू सिस्टर्स। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ माय अफगानी सिस्टर्स, बिकॉज दिस इज द टाइम। मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप ये सोचिए कि इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान में रातों रात नहीं बन गया होगा, एक वैचारिक अनुकूलता बनाई जाती है। जब हमें इस्लाम के नाम पे चार्ज अप किया जाता है, जब हमें दूसरे पंथों से दूसरे देशों से तोड़ा जाता है, जब हमारे दिमाग में अलगाववाद के बीज डाले जाते हैं, जब हमें कट्टरवादी बनने की तरफ प्रेरित किया जाता है, जब इस्लाम के नाम पे दूसरे रिलीजन्स को मानने वालों को काफिर का सर्टिफिकेट देना बताया जाता है, हमें तब आवाज उठानी चाहिए बहनों, हमें तब आवाज उठानी चाहिए। एक माहौल बनाया जाता है इस्लामिक स्टेट बनाने से पहले, और जब इस्लामिक स्टेट सुबह ही कौन उठाता है, महिलाएं उठाती हैं, क्योंकि उनको खींचकर बाहर लाया जाता है और कहते हैं कि अब तुम मेरी हो, मेरी बपौती हो, मेरी मिल्कियत हो। मोना आलम सुनिए, 11,000 जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज्यादा ऊंचा है, आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़ेहनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़ेहनी गुलामी है। ज़ेहनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें किसने तोड़ी? पाकिस्तान कब तोड़ेगा ये जंजीरें? मोना, पाकिस्तान किसका गुलाम है, कोई कह सकता है क्या? अमेरिका कौन सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को? चाइना, अमेरिका की जंजीरें तोड़ी ना गुलामी की? अमेरिका की जंजीरें तो तोड़ी है गुलामी की, इसमें तो कोई टू वेज नहीं है। तालिबान ने कौन सी जंजीरें तोड़ी है? तालिबान अफगानिस्तान का है, तालिबान अफगानिस्तान का नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। अगर अफगानिस्तान का तालिबान था, वो हमारा नेशनल फ्लैग नहीं उतारते, वो अफगानिस्तान अफगानिस्तान तालिबान का मुल्क नहीं है, तालिबानों ने अटैक किया है। कभी भी किसी अफगानी को तालिब मत बोलना। तो इमरान तो बोल रहे गुलामी की जंजीरें तोड़ी है। वो अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़े, वो अभी भी किसके पैर में है, ये सब पूरी दुनिया तो जानती है। यूएस
यूएस की गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रही कि तालिबान आप चीन की गुलामी की जंजीरें तोड़ी है ना, चीन की तोड़ी है, इंग्लिश की तोड़ी है, ये बात आपको किसी ने नहीं, नहीं अच्छा आप चीन पे चली जाएंगी, आप कश्मीर में जो आपकी औरतों के साथ वहाँ जो कर रहे हैं आप तोड़ते हैं गुलामी की जंजीरें, वहाँ के 11,000 औरतों को रेप करती है जो कुनन पोस्टपोरा उसकी जंजीर, आपको लगता है आप कश्मीर गई है पर वो पीओके वाली बात बता रही है, ये 11,000 जो आंकड़ा बता रही है ना ये आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का बता रही है, हिंदुस्तान के कश्मीर की महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, खेल खेल रही हैं, ओलंपिक्स की तैयारी कर रही हैं, अब खुद मुख्तारी की सारी पराकाष्ठाएं तोड़ रही हैं, आप समझ रही मोना आलम, पता नहीं पीओ के जाती है और सोचती है यहाँ हिंदुस्तान वाले कश्मीर आई हैं, और जो लोग कहते हैं कि अरे बाप रे हिंदुस्तान में देखो कश्मीर में देखो लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, मोना आलम मुझे नहीं पता कितनी दफा आप कश्मीर गई हैं, ये जो लड़कियां यहां बैठी हुई है ना ये है अफगानिस्तान की, लेकिन हिंदुस्तान में इन्होंने देखा है कि बच्चियों के साथ यहाँ पर किस तरीके से पेश आता है एक एक इंसान, कितनी इज्जत से, मैंने सबसे पहले सॉलिडारिटी दी है इन सबको, मैंने सबसे पहले सल्यूट और उसके बाद वापस आपने कहा कि इट डजंट मैटर, सॉलिडारिटी को रख दो आप साइड में। आरजू मुझे लगा था पाकिस्तान की तमाम औरतें जो हैं वो इस बात से परेशान होंगी कि तालिबानियों ने चौतरफा जो ये अटैक किया है और कब्जा कर लिया है, लेकिन इमरान साहब आए और ये कहा कि गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया था और इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिया गया है, यहाँ पर लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो ख्वातीन है, पाकिस्तान की जो लेडीज़ हैं वो क्या कहें कि वो अफगानिस्तान की जो ख्वातीन हैं उनके साथ खड़ी नज़र आएंगी, आपको ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम अगर अपने ही साथ खड़े हो जाएं तो बड़ी बात है, यहाँ पे जिस तरह से हैरिस किया जाता है, जिस तरह से थ्रेट किया जाता है, जिस तरह से हर बात का इल्ज़ाम औरत पे लगाया जाता है, हम तालिबान से कहीं पीछे नहीं रह गए हैं, हमारे यहाँ भी औरत का वही हाल है जो तालिबान के मुल्क में हो रहा है, यहाँ पर अगर कोई किसी का कत्ल हो जाता है किसी लड़की का तो कहा जाता है वो वहाँ गई क्यों थी, ये वहाँ क्या कर रही थी, अभी मीनारे पाकिस्तान पर जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें 400 आदमियों ने एक लड़की पर अटैक किया है, उसके ऊपर भी जो ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में वो उस लड़की को लेकर ही चल रहा है कि ये वहाँ क्या कर रही थी, ये उल्टी सीधी टिकटॉक क्यों बनाती है, ये क्या कर रही थी, तो यहाँ पे जो है पंजाब टेक्स्ट बुक्स में से मलाला यूसुफजई की पिक्चर हटवाई गई और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये कुछ महीने पहले की ही बात है कि वो पिक्चर हटवाई गई कि क्यों नेशनल हीरोज में मलाला यूसुफजई नजर आ रही हैं। तो जहाँ पर हमारे यहाँ खुद खवातीन का ये हाल है, अगर हम खुद अपनी लेडीज की इज्जत नहीं करते, हम खुद उन्हें हर तरह का इल्जाम देते हैं, हम क्या बात करेंगे, हमारे यहाँ तो जश्न मनाया जा रहा है, हमारे यहाँ तो बहुत पसंद किया जा रहा है कि तालिबान आ गए हैं और इसी तरह का माहौल पाकिस्तान में भी है, और अफसोस की बात यह है कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग ऐसे हैं जो इस बात को पसंद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और हर तरह से खुश हैं। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर हमें इस वक्त ये देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, कल को हमारा भी यही हाल हो सकता है जो अफगानिस्तान में फीमेल्स के साथ हो रहा है। यहाँ हिंदुस्तान से आपके लिए बेपनाह मोहब्बत भेज रही हूँ और दिल से भेज रही